भारतीय जनता पार्टी की पंचायत प्रकोष्ठ क्षेत्रीय बैठक शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पंचायत राज प्रकोष्ठ की इस बैठक में पंचायत राज संगठन को मजबूत करने के लिए ज्यादातर ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों को पार्टी से जोड़ा जाए और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत किया जाए। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ रमेश सिंह, प्रदेश संयोजक सुंदरपाल तेवतिया, पूर्व प्रदेश संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ ललन त्रिपाठी, क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्र, रणविजय सिंह, रमाकांत मिश्र, राकेश त्रिपाठी, बहादुर चौबे, ईश्वरमणि ओझा सहित जिले के संयोजक और प्रधान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला ने कहा, हमारे जाएंगे उनको लाएंगे और आप सबसे मित्रों देवतिया जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं और अपने नेतृत्व बंसल जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने बैठे थे। बंसल जी ने एक लाइन में अपनी बात कही, प्रतिनिधिगण यहाँ बैठे हैं इस बैठक में, प्रदेश के संयोजक और उनके साथ काम करने वाली और गाड़ी की सुरक्षा आपको करके मंजिल पर पहुंचना है, यानी 2019 का जो लक्ष्य है उसमें पंचायत के लोग अभी से लग करके आदरणीय रमेश जी बताएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोग आए हैं, मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से आप भविष्य भी आपका रहेगा। जय हिंद, जय भारत। उसकी प्रस्तावना हम सबके जुझारू नेता पंचायत प्रकोष्ठ में काफी अनुभव बैठक की अध्यक्षता कर रहे, साथ पिछले 4 साल से बराबर काम कर रहे रमाकांत भाई जी, जिनके साथ बैठ करके श्री चरणों में हमने पंचायत में काम सीखा है। ऐसे लोग पूरे प्रदेश में लगातार दौरा करते रहे माननीय दलन जी, पूरे प्रदेश में काफी उनका सम्मान है। मंच पर बैठे उपेंद्र शुक्ला जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे नेता मंच पर बैठे हैं, और भाई रमेश जी, जब से जिम्मेदारी पंचायत राज की मिली है लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पंचायत को एक नई गति दी है। अभी मेरठ की बैठक करके आए, 3 दिन पहले बरेली की मीटिंग आपने की और सभी बैठकें बड़ी व्यवस्थित कायदे की सारी बैठकें हुई हैं। आज गोरखपुर की बैठक है, इसी प्रकार से कल लखनऊ की, परसों काशी क्षेत्र की बैठक, इसमें कोई जन सामान्य नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत में जो प्रकोष्ठ है उसमें प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य, ये इनका प्रकोष्ठ है और ये सभी नेता हैं। ये जैसे लोकसभा विधानसभा ऐसी त्रिस्तरीय पंचायत की भी सरकार है, सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। इनका अपना बजट है, अपने अधिकार हैं जिससे विकास होता है, इसमें पैक करना बहुत जरूरी है। धन होगा स्वतः निर्मूल होगा, आज संगठन के साथ कदम बढ़ा करके अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़े। आज के अवसर पर जाते कुछ न करके इतना ही निवेदन करता हूँ, आने वाले दिनों में भी जहाँ मेरी आवश्यकता जब भी पड़ेगी मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। सभी पंचासी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ तथा अन्य जनपद से आए हुए सभी संयोजक, सहसंयोजक, प्रधानगण, पंचायत संगठन से आए हुए सभी पदाधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, हम लोगों को माननीय प्रदेश संयोजक
एवं सह संयोजक जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और हम लोगों को सदस्यता बनाने के साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनको भी जन जन तक पहुंचाना है, तभी हम लोगों को कार्य करने में सफलता मिलेगी। जय हिंद जय भारत। ये भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज प्रकोष्ठ की गोरखपुर क्षेत्र की बैठक आज आयोजित थी और संगठन पंचायत राज प्रकोष्ठ का मजबूत हो, अधिकाधिक ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, उनको सदस्य बनाया जाए और एक सशक्त संगठन बना के 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत का प्रधानमंत्री बनाने में पंचायत राज प्रकोष्ठ अपना योगदान दे। इसीलिए यह आयोजन प्रदेश के संयोजक आदरणीय रमेश सिंह जी की अगुवाई में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व संयोजक आदरणीय ललन प्रसाद त्रिपाठी की अगुवाई में हमारे बुलंदशहर से आए प्रदेश के सह संयोजक आदरणीय सुंदरपाल तेवतिया की अगुवाई में आदरणीय इस क्षेत्र के संयोजक रमाकांत मिश्रा के अगुवाई में ये बैठक बुलाई गई थी और आगे एक सशक्त संगठन निर्माण करने की योजना त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की है।